और भाई लोग कैसे हो। तो वापस से हम लोग आ चुके हैं पबजी मोबाइल का एक और न्यू वीडियो के साथ। और अगर कोई बंदा रीजन चेंज करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मिडिल ईस्ट वाला रीजन में डेफिनेटली अपना जो अकाउंट उसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मिडिल ईस्ट रीजन में 3rd एनिवर्सरी आ चुका है या आने वाला, मुझे नहीं पता, 18 को शायद आएगा। और पिछले बार भी 2nd एनिवर्सरी में भर भर के इवेंट मिला था जिसमें से बहुत सारा रिवॉर्ड मिला था। तो 2021 यह बोल सकते 3rd एनिवर्सरी मीना वाला रीजन में आ चुका है और आपको बहुत सारा ऐसे बेहतरीन इवेंट देखने को मिलेगा जो कि आज मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो डेफिनेटली सोच समझ के अपना रीजन चेंज करना। तो हम लोग इवेंट्स में क्लिक करते हैं, उसके बाद आप देख पाए सबसे पहला जो एनिवर्सरी या 3rd एनिवर्सरी इवेंट आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है अरेबिक एनिवर्सरी टीम अप अप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और ये जो इवेंट आप देख पा रहे 11 से लेके 18 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें आप सिंपली एक फ्रेंड को ऐड करेंगे तो आपको ये 2018 फायरवर्क मिल जाएगा। एक अगर आप अपने फ्रेंड के साथ एक मैच कंप्लीट करते हो तो 2 फायरवर्क मिल जाएगा। एक बंदे को लाइक दोगे तो गेम के बाद तो आपको एक और फायरवर्क मिल जाएगा। उसी के साथ साथ 400 डैमेज डील करोगे तो 2 और फायरवर्क मिल जाएगा और ये फायरवर्क आपको डेली बेस में रिफ्रेश होते हुए दिख जाएगा, तो इसको कलेक्ट करना मत भूलना। उसके बाद आप देख पा रहे हो अरेबिक 3rd एनिवर्सरी रिडिम्सन इवेंट। तो इधर आप देख पा रहे हो ये जो इवेंट है इसका रिडिम्सन देख पा रहे हो 11 से लेकर 23 दिसंबर तक चलने वाला। तो ये इवेंट खत्म होने के बाद मुझे लगता है एक और इवेंट आएगा क्योंकि 23 तारीख तक इसका रिडिम्सन होने वाला है। उसके बाद आप देख पा रहे हो एक फायरवर्क्स आप 50 एजी करेंसी निकाल सकते हो और ये आप 10 बार कर सकते हो। 2 फायरवर्क्स से आप ये पॉपुलरिटी निकाल सकते हो, फायरवर्क वाला पॉपुलरिटी है ना, यस पॉपुलरिटी है 200 वाला, जिसको आप रिडीम कर सकते हो 2 बार। उसके साथ साथ आप देख पर 10 फायरवर्क्स से आपको क्रिस्टल मिल जाएगा, ये क्रिस्टल आप 3 बार रिडीम कर सकते हो और ये क्रिस्टल का रिडीमशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो के एंड तक देखना। उसके बाद आप देख पा रहे 30 फायरवर्क्स आप देख पा रहे एक रीनेम कार्ड रिडीम कर सकते हो, वो भी कम्प्लीटली फ्री, आपको एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो एक बार आप रिडीम कर पाओगे। उसके साथ आप देख पा रहे 30 फायरवर्क्स आप देख पा रहे, ये टाइम लिमिटेड आउटफिट आप निकाल सकते हो जिसका नाम है फ्लावर मेडन सेट। 5 दिन के लिए आउटफिट बहुत ही प्यारा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सब आउटफिट बीजेएमआई वाला देगा तब तो नहीं देगा ये सब। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि अगर आप 60 फायरवर्क कलेक्ट करते हो तो आप ये जो पैरासूट है ये परमानेंटली निकाल सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा पैरासूट आपको दिखाई दे रहा है और इसका नाम है फैंटेसी लैंड पैरासूट जो कि आप परमानेंट निकाल सकते हो। तो आईडी कार्ड एंड पैरासूट आप रिडीम कर सकते हो, उसके बाद आप आउटफिट के लिए जा सकता है, आउटफिट केवल 5 दिन के लिए। ये केवल पहला इवेंट, अगर आप सोच रहे तो इजिप्ट नहीं तो लीबिया, ये दोनों रीजन में से कहीं भी आ सकते हैं या मिडिल ईस्ट का कोई भी सर्वर में आ जाओ तो आपको ये वाला इवेंट देखने को मिलेगा। और इसके बाद और भी इवेंट आपको गेम के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि ये 3rd एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव है। तो चलो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि वो जो क्रिस्टल आपको मिलने वाला जिसका नाम क्या था, कहाँ गया क्रिस्टल, इसका नाम है ऑरेंज ग्रीन क्रिस्टल, ठीक है। तो इसका क्रिस्टल का रिडिम्पशन देख लो, शॉप में जाओ और इधर आप देख पाए लोकल शॉप में आप ये सब क्रिस्टल जो आपको मिलेगा इससे आप ये बेहतरीन वाला आउटफिट रिडीम कर सकते हो, ये हेडगियर, ये SKS, नहीं तो आप प्रीमियम क्रेड का कुछ भी सामान आप रिडीम कर सकते हो। तो एक छोटा सा इवेंट था, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं आपको बता दिया कि ये 3rd एनिवर्सरी है तो बहुत सारे इवेंट आपको अपकमिंग डेज में ये वाला रीजन में देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।